गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, आप लोग सभी लोग अपना होमवर्क करते रहिए, जो भी आपको होमवर्क दिया जाए, ठीक है? क्योंकि जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो आपको क्या होगा, आपका होमवर्क चेक किया जाएगा, है ना? तो आप अपना होमवर्क अच्छे से करते रहिए। तो आपने अभी तक चैप्टर नंबर सेकंड में क्या पढ़ा था मैथ जिम में? कैसे नंबर्स को हम प्लस करते हैं, किस तरीके से नंबर्स को हम माइनस करते हैं, किया था ना? फिर हमने क्या किया था, एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, वर्ड प्रॉब्लम भी की थी ही थी। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है आप उसको करते रहिए अच्छे से, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। आज हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ओके? तो हम रिवीजन करेंगे किसका, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, ठीक है? तो आपका देखिए, कंपेयरिंग एंड अरेंजिंग नंबर्स भी पढ़ा था उन्होंने। कंपेयरिंग एंड अरेंजिंग नंबर्स में उन्होंने क्या पढ़ा था कि कोई भी आपके दो नंबर जैसे मान लीजिए लिखे हुए हैं, तो आप उसमें से कौन सा नंबर बताएंगे, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन से दो नंबर इक्वल है, ठीक है? तो आप ये कैसे बताएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है कंपेयरिंग नंबर्स, ठीक है? क्या है आपका कंपेयरिंग नंबर्स, ओके? तो कंपेयरिंग नंबर्स में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर वन जैसे आपका लिखा हुआ है, ठीक है? आपको इस तरीके से साइन लगाने हैं, ठीक है? तो आप ए क्वेश्चन में आपका क्या है, जैसे 43 लिखा है, ठीक है? फिर यहाँ लिखा है 34, तो आपको बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप देखिए कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है ना? तो जो नंबर बड़ा होता है साइड में क्या करते हैं, ओपन करते हैं ये, और ये साइड क्लोज रहता है, वो छोटा नंबर होता है, ठीक है? देन आप बी देखिए क्या लिखा है, 53 एंड 83। तो आपका कौन सा नंबर बड़ा है, आप देख लेंगे 83 बड़ा है, तो आप ऐसा एरो ऐसा साइन बना देंगे, ठीक है? देन आप सी देखिए लिखा है 94 एंड 94। तो ये दोनों ही इक्वल है ना, तो आप इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है? तो ये आपका इस तरीके से कंपेयरिंग नंबर्स था। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, एडिशन पढ़ा और सब्ट्रैक्शन पढ़ा। क्या पढ़ा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है? तो एड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखिए जैसे हमने 220 और 15 को हमें क्या करना है, एड करना है। तो हम क्या करते थे, ये वंस प्लेस और ये क्या है, टेंस प्लेस। तो वंस वंस को ऐड करते थे, तो जीरो जीरो तो कोई नंबर ही नहीं, तो हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, फाइव। तो जीरो और फाइव कितना हो गया, फाइव हो गया, ठीक है? देन आपका टू है तो टू एंड वन और हो गया, तो कितना हो गया, टू एंड वन थ्री, ठीक है? तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये 35 बन जाएगा, ठीक है? तो आप इस तरीके से एडिशन कर रहे थे। अब आप सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहे थे, ठीक है? सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहे थे, जैसे मान लीजिए आपका लिखा 18 एंड 15, ठीक है? तो आप करेंगे, तो आपके पास ये 8 नंबर्स हैं, आपने क्या किया, 5 को माइनस कर दिया, कितने बचे, 3। तो आप यहाँ 3 लिख देंगे, 1 था, 1 में 1 को माइनस कर दिया, कितना बचा, 0। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3, ठीक है? तो ये आपका क्या था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके? थैंक यू सो मच।